जी मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, अभी मेरे पास शोधा की फैमिली से मौजूद एक फैमिली यहाँ मौजूद है, माँ बाप हैं वो, जिन्होंने अपने लखते जिगर को इन फोर्सेस में जाने के लिए फोर्स किया, जाओ खुशी से भेजा। मेजर मुइज़ बेग शहीद साहब के वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, मकसूद बेग साहब के फादर और उनकी अम्मी यहाँ मौजूद हैं, और अभी जून में रिसेंटली वजीरिस्तान में जो आईडी ब्लॉक, जी 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 कहिए कुछ कह रही। हाँ। मैं ये कह रही थी कि आईडी ब्लॉक हुई थी उनकी गाड़ी के नीचे। अच्छा जी। उसमें तीन ऑफिसर शहीद हुए, मेजर मुइज बेग साहब शहीद जी, मेरा बेटा शहीद। अच्छा, क्या क्या एज थी इनकी? अभी 30 साल। अभी 30 साल का थे? 31 शादीशुदा थे जी, हाँ, माशाल्लाह। साढ़े चार साल शादी को। और इनकी वाइफ अभी इद्दत में जी, हाँ। कितना अर्सा हो गया था इनको आर्मी ज्वाइन किए हुए? 13 साल। इनको शौक था आर्मी में जाने का? हाँ, शौक था। हमने भी उनको भेज दिया और ना बस वतन को, बस दूसरे दिन ख्याल आया कि बेटा वतन को दे दिया तो वतन ही को दे दिया। मेरा बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, बड़ा यही बेटा, बस एक छोटा बेटा है। अच्छा, तो आप खुश हुए थे जब इनको आर्मी में सिलेक्शन हुआ? जी हाँ। और एक एक खानदान में भी एक बड़ी इज्जत मिलती है कि बेटा हमारा आर्मी में। तो जब जब किसी ऑपरेशन पे जा रहे होते थे पहले, इस लाइक ये लास्ट ऑपरेशन पे जाने से पहले, तो आप लोगों से मिलकर जी, आप लोगों से दुआएं लेकर हमेशा हमेशा मिलकर जाते थे वो, और बाहर ज़्यादा उनका एरिया जो है वो हार्ड एरियाज में रहे। अच्छा, सियाचिन भी गए, मेहनत एजेंसी में भी 2 साल रहे। अच्छा, तो माशाल्लाह से वो अपने प्रोफेशन से बहुत मुखलिस थे। अच्छा, हाँ। कभी बैठ के आपसे बात करते थे, कोई होता ना मैन टू मैन? हाँ हाँ, बात हुई मुतअद्दिद बार मुझसे। हाँ, बात हुई। हाँ। वो मुझसे यही कहते थे कि अब्बू मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। जब ये मेहमत एजेंसी में जब थे तो वहाँ वलीदात पे बाकायदा एक झड़प हुई थी बड़े पैमाने पर जी। तो उसमें मेरे बच्चे के साथ दो जो कैप्टन थे वो शहीद हुए, कैप्टन आबिद, कैप्टन खजर। अच्छा। तो माशाल्लाह ये वहाँ से कामयाब लौटे जी। तो बच्चा मुझसे यही कहता था कि अबू हमारे पास हमारे दो जज्बे हैं जी, पहला जज्बा हमारा शहादत का, अगर शहादत नसीब ना हो तो फिर हम गाजी हैं, लेकिन मुझे पहला दर्जा ज़्यादा पसंद है। ये उस बच्चे ने मुझसे पर्सनली ये बात कही थी, और ये भी कहा कि अगर पहला दर्जा मुझे मिल जाए तो आप मायूस नहीं होइएगा, सब्र कीजिएगा। जैसे आपसे ये बात कही जी, जी। वैसे आपसे भी कभी बात की? हम माँओं से नहीं करते ना बेटे ऐसी बातें। अभी वो जहाँ उसकी शहादत हुई है तो मुझे ये नहीं पता था कि वो शुमाली वजीरिस्तान में है। अच्छा। और वहाँ शहादत हुई है, शहादत जब हो गई तो उसके बाद पहली कॉल मेरे ही मोबाइल पे आई है। अच्छा। वो इसलिए कि मेरे ही नंबर उसके मोबाइल में सेट था, जो सबसे पहला नंबर बड़े, तो 5:15 शहादत हो गई वहाँ। मेरे पास 7:20 पे कॉल आई, सुबह नहीं नहीं शाम 7:00 बजे मैं मगरिब की नमाज पढ़ रही थी जी, तो मैंने कॉल रिसीव करी तो रमज़ान से ज़रा हम डिस्टर्ब थे क्योंकि उसकी खैरियत की इतला नहीं मिल पा रही थी। अच्छा। तो मैंने है ना जब देखा ना नंबर तो मैंने ना फौरन उठाया, मैंने कहा शायद वो कर रहा है, मोइस की कॉल है। मैंने फ़ौरन उठा लिया, वहाँ से उसने सलाम किया, मैं समझी मोइस ही सलाम कर रहा, मुझे नहीं पता उनका एक सिपाही सलाम कर रहा। जब मैंने उससे कहा भाई कहाँ हो, कितने दिन हो गए, तुमने कोई खैर खैरियत की इतला ही नहीं दिए नहीं दी, जब मैंने सारी अपनी बात ख़त्म की तो फिर वहाँ से सिपाही बोला कि माँ जी मैं तो उनका एक सिपाही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम सिपाही क्यों बात कर रहे हो बेटा, मेरे को मेरी मोइस से बात कराओ। चला नहीं, वो तो इंजर्ड है। तो मैं उस पर बोली कि इंजर्ड है, कैसे इंजर्ड हो गए भाई और कहाँ है, कैसे है, ठीक तो है? कहला जी है। मैंने कहाँ, कौन से हॉस्पिटल में? कहला मीरान शाह हॉस्पिटल में। मैंने कहा ये मीरान शाह हॉस्पिटल किधर है? कहला शुमाली वजीरिस्तान में। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा बेटा शुमाली वजीरिस्तान में था,
खैर मैंने कहा कहले मैं उनके फादर से बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा इतना हौसला है कि आपने जब मेरे मोबाइल पे कॉल किया तो आप मुझे बताएं, मैं माँ हूँ, सुनूंगी क्या बात है। कहला नहीं, आप फादर से बात करा दी। मैंने कहा वो तो मगरिब की नमाज पढ़ेगा, तो कहला 10 मिनट बात करूँगा। मैंने 10 मिनट बाद नहीं करना, 15 मिनट बाद करना। फिर ये आ गए, फिर चलता रहा प्रोसीजर। वो ब्रिगेडियर साहब आए तो उन्होंने सारी ब्रीफ करी हमें। फिर 9:20 से स्लाइड चली है टीवी पे, 9:20 से स्लाइड चली टीवी पर ही है बस। अच्छा, जाहिर है माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है संभालना, लेकिन आपको ही पूरे घर को संभालना था जी। आपको ही उनकी बीवी को भी संभालना जी था। जी तो आप वो कैसे आपने संभाला? बस उस वक्त अल्लाह ने पता नहीं किस तरह हौसला दे दिया। खुदा हौसला दे देता है, दे देता है, सब्र भी देता है। सब्र भी मुझे दिया हौसला। तो मैंने फिर उसकी बहन को संभाला जो उससे अटैच बहुत थी। हाँ, उससे 2 साल बड़ी बहन है। कितने बहन भाई हैं? 3 ही बहन। अच्छा, एक बहन और 2 भाई। दो भाई। अच्छा, तो काफ़ी मैंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, वो ये बात बार बार कह रही थी कि उसको ऐसा क्यों हुआ, मुझे हो जाता है। वो 2 बच्चों की माँ है। जाहिर है बहन की मोहब्बत बहुत जी, दोनों अटैच थे। ईद वाले दिन उसी से बात की थी उसने। अच्छा, हमसे सुबह सिर्फ सलाम दुआ करी थी, मुबारकबाद दी बस। हमारी ईद वाले दिन बहुत मुख्तसर बात थी, लेकिन उसने बाद में सेट होके बहन से बात करी सारी तफसील। अच्छा, बस वो तो अभी तक है ना उसी शौक के अंदर। सर ये है कि बच्चा मेरा बहुत ज़हीन, बहुत होनहार और वतन से मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा। तो वो जहाँ माँ बाप से मोहब्बत करता था, अपने प्रोफेशन से भी बहुत मुखलिस था वो। तो हमारे जवानों को अल्लाह ताला हिम्मत दे। 5 साल उसने कैडेट कॉलेज पिटारो से तालीम हासिल की। अच्छा, 5 साल। 2005 में वो वहाँ से पास आउट हुए, फिर वो काकुल चले गए 2 साल काकुल में। तो उसके बाद से ऑन जॉब थे वो। तो सारे हार्ड एरियाज बच्चे ने मेरे मतलब एक किए, जिसमें मेहनत एजेंसी है, वाना है। अच्छा। वादी तीरा है। हाँ। फिर मेरे बच्चे को यूएनए मिशन भी मिला एवरी कोस्ट। अच्छा। हाँ, 9 माह वो एवरी कोस्ट में भी रहता।